खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं प्रेरणा बी चौथे सेमेस्टर की विद्यार्थी गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पूरब उत्ते गुरु तेग बहादुर जी के जीवन संबंधी अपने विचार पेश करन जा रही हाँ। उम्मीद है कि तुसी मैनू ध्यान नाल सुनोगे। जिसका कोई नहीं स्थानी उस गुरु लासानी की गल करिए, 26 साल जिसने भोरे च रह के तप किया उस ब्रह्म ज्ञानी की गल करिए, दिती गई चांदनी चौंक विच इस पावन कुर्बानी की गल करिए, हिंद की चादर धर्म की चादर के नाते जाने जाने वाले अते सिखां दे नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी बारे बोलदियां मैनूं अज बहुत ही माण महसूस हो रहा है। 1 अप्रैल 1621 ईस्वी विच माता नानकी जी दी कुखो अमृतसर विखे जन्म लैण वाले सिखां दे नौवें पातशाह वल्लों कश्मीर पंडितां वल्लों हिंदू धर्म की रक्षा लई पुकारे जाण करके आप जी नूं तिलक दे जनेऊ राखो वजे वी जाणिया जांदा है। आप जी दे पिता जी दा नाम गुरु हरगोबिंद सिंह जी। बचपन विच आप जी दा नाम त्यागमल सी, परंतु जो आप जी दे पिता जी ने आप जी नूं तलवारबाजी विच हुनर देखदे आ तां आप जी दा नाम त्यागमल तों तेग बहादुर रख दित्ता। आप जी दा विआह माता गुजरी जी नाल होया। सिखां दे 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी आप जी दे सपुत्तर सन। आप जी धार्मिक रुचियां दे मालिक सन। आप जी ने कई धार्मिक यात्रावां वी कीतियां। बकाला विखे आप जी ने 20 साल भोरे विच रहिंदिआं भगती कीती। सिखां दे 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण जी अपने अंतिम समें विच कह गए सन, बाबा वसे ग्राम बकाला, अर्थात सिखां नूं अगले गुरु बकाला विखे मिलणगे। इह सुण के पखंडी लोग अपने आप नूं गुरु दसण लग पए। मखण शाह लुभाणा जो कि इक बहुत वड्डा वपारी सी, उसने सुखना सुखी सी कि ओह गुरु जी अगे 500 मोहरां पेट करेगा। बकाला विखे उसने गुरु जी दी भाल हेठ हरेक गुरु अगे 5-5 मोहरां रखणियां शुरू कर दित्तियां। तां उसने गुरु तेग बहादुर जी अगे जदों 5 मोहरां रखियां, बाकी गुरुआं ने तां 5 मोहरां स्वीकार कर लईआं, परंतु गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, मक्खण शाह तू तां 500 मोहरां दी मन्नत मंगी सी, इह तां 5 मोहरां ही हन। इह सुण के ओह हैरान हो गया अते ओह ची उच्ची बोलण लग पिआ, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। इस तरह सिखां नूं अपने नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी मिल गए। 1664 विच उन्हां ने गुरगद्दी संभाली। 1675 ईस्वी विच कश्मीर पंडित औरंगजेब दे जुल्मां विरुद्ध आप जी कोल रसोई लै के आए, तां आप जी ने जो सरणी आवे तिस कंठ लावे महावाक अनुसार उन्हां नूं भरोसा दवाया कि ओह बाबे नानक दे दरबार तों मायूस नहीं परतणगे। आप जी नूं जदों इस्लाम धर्म दे नशे विच धुत औरंगजेब दे सामने लिजाया गया, तां औरंगजेब ने इस्लाम धर्म दी महिमा गाउंदिआं होइआं आप जी नूं इस्लाम धर्म कबूलण लई कहा। तां आप जी ने कहा, तलवारां दी नोक उत्ते धर्म नहीं बदले जांदे। गुरु जी दी चढ़दी कला विच अते दृढ़ विश्वास नूं देख के औरंगजेब नूं गुस्सा चढ़ गया अते उसने आप जी नूं गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी मौके आप जी दे नाल अपने सिख भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाला जी भी सन। आप जी नूं कई तरह दे लालच तों इलावा कई तरह दे डरावे दिते गए। आप जी नूं कतल दा डरावा दिता गया कि शायद इह सुण के गुरु जी इस्लाम धर्म कबूल ही लैण, परंतु आप जी अटूट रहे। इस तों इलावा आप जी दे अनिन सिख श्रद्धालु भाई मती दास जी नूं आरिआं नाल चीर दिता गया। ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਯਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਟੁੱਟ ਰਹੇ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਏ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਤੱਟ ਸਹਾਰੀ ਗਏ, ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰੱਬ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਡਰੇ।